खूब खूब स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी शिक्षण की नगरी वडोदरा में पधार्या है, हूँ एमनु खूब खूब स्वागत करूँ छू। आजे तेवो गुजरात ने लईने गुजरात की जनता माटे एक सारू विजन लईने अपनी वच्चे पधार्या है। हूँ माननीय अरविंद जी ने विनंती करीश के तेवो पोतानी वात रजू करे। माननीय अरविंद जी, सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार, और जो जो आप सबके चैनल्स देख रहे हैं सभी गुजरात के भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं, और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। और सभी किसी भी राज्य के अंदर चुनाव जिताने में या हराने में वहाँ के सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है, ये सरकार सारे गलत काम करती है, जन विरोधी है। इस सरकार को 27 साल हो गए, अब अहंकार आ गया इनके अंदर, एक बार इनको हटाना बहुत जरूरी है। सारे मिलके, सब लोग मिलके इनको हटाने की तैयारी करें, उस दिशा में काम करें। अब अगले 2 महीने छुट्टी लेनी हो छुट्टी लें, सब लोग उस दिशा में काम करें और इस सरकार को हटा के हम आप लोगों से एक ही मौका मांग रहे हैं। ये तो बार बार आके आपको कहते हैं एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। हम तो अगली बार आएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि अगर अच्छा काम किया है तो ही हमें दोबारा लाना, वरना मत लाना। तो एक मौका आप लोगों से मांग रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि सब लोग लग जाएं प्रचार करने के लिए। अंदर खाने प्रचार करें, क्योंकि खुल के सरकारी कर्मचारी प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर खाने प्रचार करें, सोशल मीडिया पे प्रचार करें, बाय वर्ड ऑफ माउथ प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, ये दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। ये दोनों पार्टियां खूब मेरे को गालियां देती हैं, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो। दोनों की भाषा भी एक है, दोनों के शब्द भी एक हैं, दोनों पार्टियां मिलके मेरे को गालियां दे रही है। मेरा कसूर क्या है? मैं कहता हूं कि हम गुजरात के लोगों की महंगाई दूर करेंगे, ये कहती हैं केजरीवाल कमीना है। ये पार्टियां नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की महंगाई दूर हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे, ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे को गाली देती हैं, ये नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर देंगे जैसे दिल्ली में किए, ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे पर अटैक करती हैं, ये नहीं चाहती कि गुजरात के स्कूल अच्छे हों, गुजरात के अस्पताल अच्छे हों। मेरा यही तो कसूर है कि हम गुजरात के लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं और ये दोनों पार्टियां मिलकर खूब जबरदस्त तरीके से हमारा विरोध कर रही हैं। और अब देखना आने वाले दिनों में ये लोग खूब बड़े बड़े अपने राष्ट्रीय स्तर पे खूब बड़े बड़े नेता उतारेंगे, सारे आके मेरे को गालियां देंगे, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो।
और मेरा कसूर केवल इतना है कि मैं गुजरात के लोगों के भले की बात कर रहा हूँ। आज गुजरात में एक्स आर्मी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी वीडियो देखा जिसमें खाकी वर्दी वाले खाकी वर्दी वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, LRD वेटिंग वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, VC प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव-गांव से VC आए हुए हैं, टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात सड़कों के ऊपर है। इन सभी साथियों से, इन सभी दोस्तों से, भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनको आश्वासन देना चाहता हूं, आपके जितने भी मुद्दे हैं, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी हम आपके सारे मुद्दों का समाधान करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो दो तीन प्रश्न ले लेते हैं। मैं उन सारे ब्यूरोक्रेट्स को कहना चाहता हूं कि उन्होंने कभी भी इनके मुद्दे नहीं उठाए, उन्होंने कभी भी गुजरात में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसका मुद्दा नहीं उठाया, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कभी भी उनके मुद्दे नहीं उठाए, जितने सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करके ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं। मैं इन सभी ब्यूरोक्रेट्स को कहूँगा कि एक बार लिखें कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। जितने ये फॉरेस्ट गार्ड, एक्स आर्मी ऑफिसर, NHM हेल्थ वर्कर्स, ये भी इस देश के नागरिक हैं, इनको भी अपना जनतांत्रिक अधिकार है अपना वोट वो करने का। अगर ये दुखी हैं और ये सरकार में बदलाव चाहते हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई दबाने की किसी कोई कोशिश नहीं की जा रही, और जो भी हुआ वो बहुत दुखदाई है, बहुत पेनफुल है, और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, मैं आपको एश्योर करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उछाल रही है। सभी लोग सियासत करते हैं पर ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अमानुल्लाह खान भी कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी ने भी गड़बड़ की उसको सजा दीजिए। मेरे को BJP के ऊपर बहुत दया आती है, उनसे निकम्मी पार्टी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। CBI उनके पास है, ED उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, पुलिस उनके पास है, उसके बावजूद वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने जिंदगी में कभी केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इससे इसके ये मतलब है कि उनसे काम नहीं हो रहा, नौटंकी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठ के नौटंकी करते हैं। अरे किसी ने गलत काम किया पकड़ के जेल भेजो दोषियों को। हमारे ऊपर इन्होंने 169 केस किए, 169 केसेस इन्होंने हमारे ऊपर किए, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है। अब किसी और को भी नमस्कार सर। दो चीजें, आपके दो प्रश्न है अलग अलग। वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहां पे 30-40 लोग थे, उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए मोदी मोदी मोदी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहां BJP कभी नहीं हारी, ऐसा क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफ़ी तकलीफ इनको होने वाली है, वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग। तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे, 30-40 आदमी भेज के नारे लगवा के कहते हैं कि। दूसरी चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी राहुल गांधी जी गुजरात आए इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए। BJP वाले भी कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ दोनों मिलके नारे लगाते हैं, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मुझे गाली देते हैं, दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, ये लोग कहते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो सारा लूट के पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये सारा लूट के पैसा अपने घर भरते हैं,
अगर ईमानदार राजनीति हो गई, अगर जनता को फ्री सुविधाएं मिलने लग गई, तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी। जितनी सरकारें थी, जितने नेता थे, ये मोस्टली जो हैं वो लूटते थे, सरकारों को लूटते थे ये लोग, और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा लूट रहे। पहली बार इस देश के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, रिश्वत नहीं लेते, उससे सरकार में खूब पैसा बचता है, उससे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री अस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयां देते हैं। अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा। तो एक चीज गांठ बांध लो, जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, समझ लेना उस आदमी की नीयत में खोट है। केजरीवाल जी, जैसे एयरपोर्ट पे आपका स्वागत मोदी के नारे के साथ हुआ, क्या पिछले 6 महीने में मान साहब ने जो काम किए हैं पंजाब में 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किए। पिछले 6 महीने में जितनी कट्टर ईमानदारी, आज 75 साल के बाद पंजाब को एक कट्टर ईमानदार और मेहनती सीएम मिला है। 6 महीने में उन्होंने 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, 17,000 नई नौकरियां निकाल दी, 8,000 कर्म टीचर पक्के कर दिए। इतने सारे काम भगवंत मान ने किए हैं कि इनके जो विरोधी हैं उनको उनके कामों में कुछ कमी दिखाई नहीं देती। तो अब कीचड़ फेंकते हैं कि मान साहब ने, सब झूठ है, सब बकवास है। मैं वो बेचारा आदमी लगा हुआ है पंजाब के विकास के लिए, उसको रोकना चाहते हैं ये सारे विरोधी मिलके। जनता देख रही है, जनता उनके काम से बहुत खुश है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ सारे विरोधियों से, अगर भगवंत मान 6 महीने में बिजली मुफ्त कर सकते थे तो इन दूसरी पार्टियों की सरकारों ने 75 साल में बिजली मुफ्त क्यों नहीं करी? ये सारा पैसा लेके कहाँ चले गए? पंजाब का पैसा किसने खाया? सर, अब ममता बनर्जी शोइंग अ सॉफ्ट स्पॉट टुवर्ड्स बीजेपी, डू यू हैव अ स्टेटमेंट ऑन दैट? आई एम हियर सर। वो उनको पूछिए, मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूं? सर, व्हेन यू वर वेलकम्ड ऑन द एयरपोर्ट मोदी जी के नारे से, डू यू थिंक दैट बीजेपी इज टेकिंग यू एज द न्यू मोदी? डू यू सी दैट इंसिडेंट इन दैट पर्सपेक्टिव? नहीं, आई विल नॉट से। मेरे को राजनीति नहीं आती, ये मेरी कमजोरी है। मेरे को जनता का काम करना आता है। मेरे से बिजली मुफ्त करवा लो, मेरे से स्कूल बनवा लो, मेरे से अस्पताल। मैं गुजरात में आके पिछले 6 महीने से, 1 साल से, जब से मैं गुजरात आ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपकी बिजली 24 घंटे कर दूंगा, मैं आपके फसलों के अच्छे दाम दूंगा, मैं आपको महंगाई दूर कर दूंगा, मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, आपके लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा। ये पार्टियां पढ़ के जेल भेजेंगे, जो निर्दोष है उसको बिल्कुल वो नहीं करेंगे। जो आज सिस्टम है, दारूबंदी का सिस्टम है, नशाबंदी का सिस्टम है, उसको लागू रखा जाएगा, लेकिन उसको लागू किया जाएगा। अभी जो इलीगल तरीके से, अभी सारा धंधा इन्हीं का है, सब जानते हैं। 10-15 हजार करोड़ रुपए का धंधा इन्हीं लोगों का है, इन्हीं के लोग करते हैं, सारा प्रॉफिट इन्हीं को जाता है। ये नहीं करेंगे हम अपनी पार्टी, दारू बेच के नहीं चलाते, ये लोग चलाते हैं। हम अपनी पार्टी ईमानदारी के पैसों से चलाते हैं। ये सही नहीं है। जैसे बड़ौदा में हमारा प्रोग्राम होना था, 13 जगह हमें बदलनी पड़ी पिछले 3 दिन में, 13 places। यहाँ पे हमने फिक्स किया, उसको फ़ोन करके धमकाया इन लोगों ने, यहाँ फिक्स किया, उसको फ़ोन करके धमकाया कि केजरीवाल का प्रोग्राम नहीं होने देना, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम। ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं, हम पक्ष और विपक्ष हैं। इस तरह से हमें एक दूसरे, ये गुंडागर्दी है, और इसी वजह से आज गुजरात की जनता इन लोगों की गुंडागर्दी से परेशान है। ये केवल मेरे साथ नहीं किया इन्होंने, मैं तो छोटा आदमी हूं तो भुगत लूंगा, गुजरात की जनता इनकी गुंडागर्दी से परेशान है।
गुजरात की जनता के साथ ये रोज गुंडागर्दी करते हैं। थैंक यू। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।